पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे हैं, चलिए इंग्लिश चलते हैं शुरू करने। पास्ट इंडिफिनिट टेंस भूतकाल, पास्ट मतलब भूतकाल, रिकोजिनेशन मतलब पहले बात हम लोग जान लेते हैं। रिकोजिनेशन मतलब होता है पहचान, रिकोजिनेशन मतलब होता है पहचान। यहाँ पर लिख देते हैं रिकोजिनेशन मतलब पहचान। अब जान लेते हैं पहचान जान लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ई या ई आ इत्यादि आए तो उनका प्रयोग पास्ट इन्फिनिट टेंस में किया जाता है। और एक बार पढ़ लेते हैं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ई या ई आ इत्यादि आए तो उनका प्रयोग पास्ट इन्फिनिट टेंस में किया जाता है। अब जान लेते हैं अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। अब चलते हैं सकारात्मक वाक्य पे। अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण वाक्य ये होता है, सबसे महत्वपूर्ण ये अगर याद कर लेंगे, ये अगर कैप्चर में बैठा लेंगे दिमाग में, तो ये कोई भी पास्ट इन्फिनिट टेंस का अफर्मेटिव में का कोई भी आएगा सेंटेंस तो आप लोग बना सकते हैं। चलते हैं पहला, वे लोग आए। तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है? तो सब्जेक्ट कौन सा है पहले ये चुन लेते हैं। सब्जेक्ट तो वे लोग है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, वे लोग सब्जेक्ट है। वे लोग आए तो आना का स्पेलिंग क्या होता है? तो पहले वे लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, दे, तब उसके बाद है आना का, ये तो अब मेन भर कौन सा है? ये आए मेन भर थे, तो आना का क्या स्पेलिंग होता है? कॉम, तो ये क्या है? भक्तू है, तो भक्तू मेन भर भक्तू। तब उसके बाद ये कॉम का स्पेलिंग क्या आता है? ए कॉम, तो भक्तू, तो कॉम केम तो केम होगा। केम हो गया, इतना आसान था। दूसरा था, वह पटना गया तो वह का स्पेलिंग क्या होता है? ये तो सब्जेक्ट है, वह का स्पेलिंग होता है ही। मेन भर कौन है? मेन भर चुनेंगे ये है गया, तो गया का स्पेलिंग क्या होता है? तो गो, तो ये गो गो का भर्तू क्या होता है? गो का भर्तू होता है, गो का भर्तू गो वेंट तो वेंट होगा, ही वेंट अब पटना गए, तो इसमें टू लगेगा, टू पटना का क्या स्पेलिंग होगा? पटना ही होगा। हो गया, अब चलते हैं तीसरा का एग्जांपल पे। उसने मेरी मदद की उसने का क्या होगा? ही। अब मेन भर कौन सा है? मेन भर मदद है, तो मदद का स्पेलिंग क्या होता है? हेल्प, तो भर टू लगाएंगे तो हेल्प हो जाएगा, HELPD हेल्प। मेरी क्या स्पेलिंग होता है? हेल्प मी, हो गया, इतना आसान। दूसरा का चौथा एग्जाम्पल पे देखते हैं, मैंने एक पत्र लिखा तो मैंने क्या स्पेलिंग क्या होता है? ये तो सब्जेक्ट है, मैंने क्या स्पेलिंग होता है? आई। और मेन भर कौन सा है? लिखा, मेन भर कौन सा है? लिखा, तो लिखना का स्पेलिंग क्या होता है? लिखना का स्पेलिंग होता है
राइट, तो भाग तू हो जाएगा राइट रूट, तो रूट हो जाएगा डब्ल्यू आर ओ टी रूट। अब ये का क्या स्पेलिंग होता है, ए राइट ओ लेटर। हो गया, अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे, नकारात्मक वाक्य। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। चलते हैं नकारात्मक वाक्य पढ़ने। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, और सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका सबसे महत्वपूर्ण यह होता है, इसका रूल होता है सबसे महत्वपूर्ण, ये अगर याद कर लेंगे निगेटिव सेंटेंस, मतलब कोई भी सवाल आप लोग कोई पूछेगा, वे लोग नहीं आए तो आप लोग सच में जवाब दे देंगे, दे डिड नॉट केम कॉम सॉरी। तो सबसे महत्वपूर्ण थोड़ा पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब वीवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है, ये तो सब्जेक्ट है, दे दे डिड, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, दे डिड नहीं। क्या स्पेलिंग क्या होता है, नॉट, दे डिड नॉट। तब तो ये तो मेन वर्ब कौन सा है, ये है, मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, तो ये तो भी वन है, इसमें तो कोई ये नहीं है, आसान तरीके से बन जाएगा, कौन का कमी होगा क्योंकि ये भी वन है, ये तो बन गया। दूसरा का सेंटेंस देखिए, वह पटना नहीं गया, वह पटना नहीं गया, तो वह का क्या होता है, ही वह पटना नहीं गया, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डीड, ही डीड नॉट। तब उसके बाद क्या है, मेन वर्ब गया है, तो गया का गया होगा गो टू सॉरी गो टू पटना PATN हो गया। अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की, तो उसने का ही हो जाएगा आ हेल्पिंग फॉर क्या है, डीड, तो ही डी। तब उसके बाद क्या है, नॉट, ही डिड नॉट। तब उसके बाद है मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है, मदद, तो मदद का हेल्प होता है, हेल्प HELP हेल्प होता है। मेरी का क्या होता है स्पेलिंग, मी होता है, हेल्प मी। अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, तो मैंने क्या क्या स्पेलिंग होता है, आई आई हेल्पिंग वर्ब क्या है, डीड, आई डीड। तो नॉट पत्र लिखा, तो राइट डब्ल्यू सॉरी नॉट राइट अ लेटर, डब्ल्यू आर आई टी राइट, एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, तो राइट अ लेटर यहाँ पे लिख देते हैं, LETER हो गया, इतना छोटा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव यस नो। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, चलते हैं पढ़ने निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब उड़ी बात होती है, चलते हैं ये पढ़ देते हैं,
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यून प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यून प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहला जान लेते हैं सेंटेंस। क्या मैंने खाया तो हेल्पिंग तो वर्ब बाहर निकल गया है तो इसको भी निकाल लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब डीड डीड और सब्जेक्ट कौन सा है मैंने तो डीड आई हो जाएगा तो डीड आई। खाना का क्या मेन वर्ब कौन सा है खाया तो खाना के ईट के साथ क्या लगेगा भीवन तो ईट हो जाएगा ईट हो गया। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। क्या राम स्कूल गया तो अब देखेंगे क्या राम स्कूल गया तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकल गया है तो डीड लग जाएगा डीड आराम का राम होगा डीड राम स्कूल गया तो गो टू स्कूल मेन वर्ब तो गया गो टू स्कूल SCHOOL गो टू स्कूल हो गया। अब तीसरा काम क्या उन लोगों ने खेला तो क्या मैं हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकल गया है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है डीड। अब उन लोगों का स्पेलिंग क्या होता है डीड दे उन लोगों ने खेला तो खेलना का स्पेलिंग क्या होता है प्ले हो गया प्लस क्वेश्चन मार्क। सॉरी अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जाएगा। चौथा क्या वह आया तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर निकल गया है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है ये डीड सब्जेक्ट वह है तो ही डीड ही आना का स्पेलिंग क्या होता है कॉम कॉम। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव WH। चलते हैं पढ़ने WH फैमिली जो आता है वाई वेयर हुज किसका वे सब आता है। चलते हैं पढ़ने पल ये जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण रूल। ये अगर याद कर लेंगे तो इंट्रोगेटिव WH का कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं शुरू करने ए WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं सीता क्या पकाई तो ये तो निकाल लेंगे WH को तो what हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे what did सब्जेक्ट कौन सा है सीता तो what did सीता मेन वर्ब पकाई तो पकाना का स्पेलिंग क्या होता है कुक। प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो सवाल गलत माना जाएगा। तो दूसरा का एग्जांपल देख लेते हैं वे लोग क्यों पटना गए तो के ये तो निकाल देंगे WH वाई
वाई हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डीड। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डीड। तो डीड, वाई डीड, वाई डीड। और सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट वे लोग है। तो वाई डीड दे, वाई डीड दे। तब उसके बाद क्या है? मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सा है? गए, गो टू, कहाँ गए? पटना, गो टू पटना। पी ए टी एन ए प्लस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन माना रहेगा तो सवाल गलत माना गया। तो इस तीसरा था, हम लोग कैसे खाए, हम लोग कैसे खाए। तो कैसे खाए स्पेलिंग क्या होता है? तो डब्ल्यू एच को तो हम लोग निकाल, हम डब्ल्यू एच को निकाल देंगे तो कैसे का क्या होता है? हाउ, हाउ। तब उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा? हेल्पिंग वर्ब को डीड, हाउ डीड, हाउ डीड, हाउ डीड। तब उसके बाद हाउ डीड, तब उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है? हम लोग, सब्जेक्ट हम लोग है। तो हाउ डीड वी, मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब खाए। तो खाना क्या स्पेलिंग क्या होता है? ईट। हो गया, अब देखते हैं चौथा, वह क्यों गई, वह क्यों गई। तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है? वाई, वाई। तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? डीड, वाई डीड, वाई डीड। तब उसके बाद है वाई डीड, कहाँ गई? वाई डीड। और सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट हुआ। तो वाई डीड सी गई, वह क्यों गई। तो वाई डीड सी, मेन वर्ब कौन सा है? गई, गई। मेन वर्ब कौन है? गई। तो गई क्या स्पेलिंग क्या होता है? गो। अब हो गया, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। बाय बाय।